अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे अपने चैप्टर 6 को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को। प्रीवियसली लेक्चर में हमने जो है कवरेज रेशियो और एक्टिविटी रेशियोज को डिस्कस किया था, ठीक है, और उनके जो है हमने यूजेस देखे इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास जो है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की जो मिक्स रेशियो है, या जो हम इनकम स्टेटमेंट के रेशियोज को देखते हैं जिसमें हमारे पास बच जाती है एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक हो गया, कि हमारे जो है प्रॉफिट्स किस तरीके से हमें कैलकुलेट करने होते हैं, कंपनी किस तरीके से अपने जो है प्रॉफिट्स को एनालाइज करने की कोशिश करती है कि उन्होंने जो है कितने प्रॉफिट्स जनरेट किए हुए हैं, ठीक है, आपकी जो है कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, उस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारे पास आ जाएगा कि हम जो है एक्टिविटी रेशियोज को देखेंगे, और उसके साथ हम देखेंगे कि कॉमन साइज स्टेट एनालिसिस क्या होती है और इंडेक्स एनालिसिस क्या होती है, और उनको जो है हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो आज हम इन चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले रेशियो से, ठीक हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से, ठीक हो गया। प्रीवियस हमने जो है वही हमारे पास जो है बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में सबसे पहले रेशियो जो है हम डिस्कस करेंगे वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। क्या शो करती है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, कहता है कि इंडिकेट्स एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस एंड फर्म प्राइसिंग पॉलिसीज, कि कंपनी की जो है क्या करती है, एफिशिएंसी शो करती है, जो है वो कितना जो है अर्न करती है, और उसकी प्राइसिंग पॉलिसीज कैसी है, कि क्या जो है उसकी प्राइसिंग पॉलिसीज बेहतर है कि नहीं है, कंपनी जो है बेहतर परफॉर्म कर रही है, कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स को सही तरीके से प्राइस कर रही है कि नहीं कर रही, उस चीज को एनालाइज करने की हम जो है कोशिश करेंगे, उस चीज को देखेंगे इस रेशियो के जरिए से, ठीक हो गया। और इसमें जो हम मजीद कहते हैं कि जी ग्रॉस मार्जिन या जो है ग्रॉस प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ सेल्स रेवेन्यू और द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कि आप जो है अपने देखते हो कि आपने कितनी रेवेन्यू अर्न की हुई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मुकाबले में। दस ग्रॉस मार्जिन रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ सेल्स रेवेन्यू लेफ्ट आफ्टर कवरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट टू पे ऑल रिमेनिंग बिजनेस एक्सपेंसेस एंड हैव सम प्रॉफिट लेफ्ट। इट ऑल्सो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड द टोटल नेट सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, कि आपके जो है हमने कहा कि नेट सेल्स रेवेन्यू भी आपकी शो करती है कि आपके इसके मुकाबले में आप इसको कंपेयर करते हो कि आपने जो है टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया, अभी आपने उसमें से जो है एडिशनल एक्सपेंसेस और कॉस्ट वगैरह भी नहीं निकाली, वो सारे के सारे इसमें जो है इंक्लूडेड है, ठीक है, क्या तो उसमें जो है आपने फिलहाल कितना अर्न किया हुआ था सेल्स के मुकाबले में। तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारे पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, ठीक है, और हमारा जो है नेट सेल्स ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, ठीक है। सो हमारे पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आ जाता है, ठीक है। सो हमने पहले कहा कि नेट सेल्स हैं, तो नेट सेल्स हमने कहा कि 2-2-1 जो है 2-2-1-1 आ जाता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ है क्लियरली 6-1-2, आपने यहाँ से इसको उठा लेना है। ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली किसके बराबर होता है, कि जब आप क्या कर लेते हो कि नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेते हो, तो आपने जो है जितना सेल्स सामान बेचा था उसमें से आपने जो है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट निकालोगे कि कितने पे जो है उसकी कॉस्ट इनकर हुई थी, वो जब आप निकालोगे तो आपके पास क्या बच जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारे जो है जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया 0.27 मल्टीप्लाई बाय 100 जब हमने किया, तो इट मींस कि हमारे पास जो है 27% हमने क्या कर दिया जो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है गेन किया, विच मीन्स दैट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ 2.27, ठीक हो गया, शोज दैट the company may reduce the selling price of its products by 2.27 without incurring any loss, theek hai, ki aapki company kya kar sakti hai, apne jo hai selling price ko reduce kar sakti hai, theek ho gaya, without any loss, ki uske paas itna margin exist karta hai kyunki ye kya kar raha hai ki 0.27 jo hai ya 27% jo hai gross profit generate kar raha hai, so kehte hain ki ji it should be sufficient to cover all expenses and provide for profit, ठीक है, कि आपके जो है प्रॉफिट को भी ओवरकम कर रहे हैं और आपके जो है एक्सपेंसेस को भी ओवरकम कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने उसमें से एक्सपेंसेस जो है मेजर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, उसके बाद हमारे पास क्या बच गए हैं, हमारे पास जो है हमारे जो एडिशनल एक्सपेंसेस थे, ठीक है, हमने वो भी तो इसमें से माइनस करने हैं, जैसे हमने जो है यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, हमने जो है यहाँ पे क्या किया हुआ कि एस जी एंड ए भी निकाल दिया, इंटरेस्ट भी निकाल दिया, इनकम भी निकाल दिया, इनकम टैक्स भी निकाल दिया, कैश डिविडेंड्स भी निकाल दिया, तो क्या ये इनके लिए जो है सफिशिएंट है कि नहीं है, तो हमारे पास जो है 0.27% जो है आ गया। इसको हम इंडस्ट्री के साथ देखेंगे तो इंडस्ट्री की सिचुएशन क्या चल रही है, तो इंडस्ट्री में जो है लोग क्या करें क्रॉस प्रॉफिट 31.1 जो है ऑन एवरेज गेन कर रहे हैं, लेकिन क्या करिए बास्केट में इंटरेस्ट वीक जा रही है क्योंकि उसके जो है प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम जा रहे हैं, ठीक है, प्रीवियसली जो है 30 था 27 था, ये जो है 2005 में बेटर जा रहा था, लेकिन फिर 2006 में जो है वो कम हुआ और 2007 में कम हो रहा है, मजीद जो है ये रिडक्शन की तरफ जा रहा है।
तो हमने क्या कहा कि एक जो है मे बी इसकी वजह ये भी हो सकती है कि उसकी इन्वेंट्रीज जो है बहुत स्लो सेल आउट हो रही है, तो एक रीजन ये हो सकती है। लेकिन बेटर पिक्चर अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, कि आपके पास जो है हम देखेंगे कि नेट प्रॉफिट मार्जिन, कि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या आ रहा है, क्या वो भी जो है इसी तरीके से कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। तो हम कहते हैं कि जी जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास क्या शो करते हैं, इंडिकेट्स द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर टेकिंग अकाउंट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्सेस, के जब आप उसमें सारे के सारे जो है क्या कर रहे थे, अपने सारे के सारे जो है एक्सपेंसेस और इनकम टैक्सेस वगैरह हटा देते हो, उसके बाद आपके पास क्या हो जाता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ठीक है, और उसको आप क्या कर दोगे, नेट सेल्स पे डिवाइड कर दोगे। तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 91 है, क्या क्या, और 2211 जो है हमारे पास क्या है, हमारे जो है नेट सेल्स है, ठीक है। फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ, हमारे जो है इनकम स्टेटमेंट में देखें तो हमारे पास क्या कर रहा है, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस $91 बची हुई है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस हमारे पास जो है $91 है, तो हमने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2:1 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने इसको जो है मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास आया 0.041 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास जो है हमारे जो प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, वो हमारे पास जो है जस्ट हमारे पास जो है क्या हो रहा है, 4% जो है कंपनी अर्न कर रही है, ठीक है। सो हमारे पास जो है 4% जब आप अर्न कर रहे हो तो इट मीन्स कि कंपनी बहुत ही कम प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, ठीक हो गया। उसके पास जो है प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम रह रहा है, और इसीलिए हम कहते हैं, और इस रेशो को सब कभी कभार हम जो है रिटर्न ऑन सेल्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। अगर कहीं पे जो है क्वेश्चन आ जाता है या पूछा जाता है कि रिटर्न ऑन सेल्स रेशो क्या है, तो आप उसमें जो है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी जो है हमने कहा हुआ है कि ये जो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर जो है आपके पास जो है हायर जो है रेशो आ जाए, क्योंकि परसेंटेज आ जाए, तो वो क्या शो करती है, तो कहता है कि हायर रेशियो इंडिकेट्स द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। देयर इज नो नॉर्म टू इंटरप्रेट दिस रेशियो टू सी वेदर द बिजनेस कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग इट्स प्रॉफिटेबिलिटी और नॉट। देन एनालिस्ट शुड कंपेयर द रेशियो विद द प्रीवियस ईयर रेशियो, द इंडस्ट्री एवरेज एंड द बजटेड नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या है कि आपके पास जो है, हमने कहा कि कोई सच जो है इसकी इंटरप्रिटेशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि आपको प्रॉफिट्स वो शो कर रहा है, लेकिन आप जो है क्या करते हो कि वही बात, इसकी कंपैरिजन किसके साथ करोगे, अपने जो है प्रीवियस के साथ कर लो कि प्रीवियस से आपने इंप्रूव किया कि नहीं किया, या इंडस्ट्री के साथ कर लो कि आपने इंडस्ट्री एवरेज के साथ जा रहे हो नहीं जा रहे। तो जब हम इसको इंडस्ट्री के साथ देखें तो हम इंडस्ट्री से बहुत ही पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक हो गया। क्यों परफॉर्म करें, क्योंकि इंडस्ट्री में 8.2% ऑन एवरेज जो है लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन गेन कर रहे हैं, और हम 4.1% गेन कर रहे हैं, ठीक है। जबकि जो है जब 8.1 था स्टिल हम कम थे, और सिर्फ 2005 में हम हाई थे, क्योंकि वहां पे हमारे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी जो है हमें ये शो कर रही है कि कंपनी बहुत ही पुअरली परफॉर्म कर रही है, ठीक है। कंपनी जो है बहुत ही लो जा रही है, क्यों लो जा रही है, क्योंकि उसके जो है आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम जनरेट कर रही है। सो हमने कहा कि आपकी जो है बास्केट वेंडर्स क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर रही है, लेकिन एक और रेशो भी हम इसके लिए फाइंड करते हैं। हम कहते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी का क्या है, वो अपने जो इन्वेस्टमेंट पे कितना गेन कर रही है, तो क्या शो करती है ये रेशो, कहता है कि इंडिकेट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म, ठीक है, कि आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस, कि कंपनी जो है क्या कर रही है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को शो कर रही है, क्या क्या कि तमाम की तमाम एसेट्स पे। तो हम इसको क्या करते हैं कि नेट आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जितना आपके पास आया उसको आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे टोटल एसेट्स पे, ठीक है, कि कंपनी के जो है टोटल एसेट्स पे वो कितना जो है वो जनरेट कर रही है। हम उस चीज़ को भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आप जो है कितना गेन कर रहे हो, ठीक है, कि आप जो है कितना इन्वेस्टमेंट पे गेन कर रहे हो, आपने जो है बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है क्या वो भी तो सफिशिएंटली गेन कर रही है या नहीं गेन कर रही कंपनी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन तो ऑलरेडी हमने देख लिया है कि वो जो है आपके बहुत कम जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हमारे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है क्या वो भी हम सही तरीके से गेन कर रहे हैं कि नहीं गेन कर रहे हैं, उसको भी एनालाइज करना हमारे लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक हो गया। और इसको अगर हम सिंपली कहते हैं कि जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके पास जो है ये भी शो करते हैं, ठीक हो गया, इसको जो है कि आप जो है अपने एसेट्स जो आपने या जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है क्या आप उससे बेनिफिट को कम्प्लीटली गेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक है। कभी कभार इस रेशो को जो है हम रिटर्न ऑन एसेट रेशो भी कहते हैं, ठीक हो गया। अगर आपके पास जो है क्वेश्चन आ जाता है कि रिटर्न ऑन एसेट जो है रेशो कैलकुलेट करें, तो रिटर्न ऑन एसेट रेशो भी आपके पास है क्या करती है, इसी चीज को शो करती है, ठीक है, कि आप जो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइड करोगे आप अपने टोटल एसेट्स पे, कि आपने जो है टोटल एसेट्स कितने गेन किए हुए हैं, आप उस पर जो है इसको सिंपली डिवाइड करने की कोशिश करोगे। सो हमने क्या किया हुआ है, ठीक है, इसी चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश की हुई है, हमने जो है क्या किया हुआ है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस को डिवाइड कर दिया टोटल एसेट्स पे, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हमारे पास 91 था, हमने उसको डिवाइड कर दिया किस चीज़ पे, 2160 पे।
तो जब हमने इसको जो है कैलकुलेट कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 0.042 आई। ठीक है, सो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आई, 0.042 आ गई, जो कि बहुत ही कम शो हो रही है। ठीक है, जब हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या है, 4.2% आप जो है रिटर्न इन्वेस्टमेंट गेन कर रहे हो। मीन्स कि आप जो है प्रॉपर तरीके से आपने जो है एसेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे। लेकिन ये क्या है, वन साइडेड, हम जो है सिर्फ इसके एनालिसिस कर रहे हैं। हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से जब हम जो है इंडस्ट्री के साथ इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तभी हमें जो है बेहतर पता चल सकता है कि क्या हम जो है इंडस्ट्री के साथ मुकाबले में सही जा रहे हैं, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ऐसी है, या सिर्फ हमारी जो कंपनी है वो बेहतर परफॉर्म नहीं करी और वो जो है वो लो जा रही है। तो जब हमने क्या किया, इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश की, यहाँ पे जो है हम इंडस्ट्री के जरिए से इसका कंपैरिजन किया, तो इंडस्ट्री में 9.6% जा रहा है और हम 4.2% जा रहे हैं। सो इट मींस कि बास्केट वेंडर हैज अ पुअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि बास्केट वेंडर क्या कर रहा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही कम गेन कर रहा है। ठीक है, सो जब आप जो है क्या कर रहे हो कि जो है बहुत कम गेन करोगे, ठीक हो गया, तो मीन्स कि आपकी जो है इन्वेस्टमेंट इतनी बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, आपके लिए जो इतना ज्यादा आप गेन नहीं कर रहे, क्योंकि इंडस्ट्री में लोग जो है वो ज्यादा गेन कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट से और आप जो है क्या कर रहे हो, लो जो है गेन कर रहे हो। लेकिन स्टिल आप जो है पॉजिटिव जा रहे हो, नेगेटिव की तरफ जा नहीं रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी जो है एनफ नहीं है। ठीक हो गया, इतना ज्यादा सफिशियंट नहीं है कि आप अपने कॉस्ट के मुताबिक जो है जा सको, और सिर्फ जस्ट 4.2% वहां से जो है अपने गेन्स जो है कर रहे हो। ठीक है, तो कंपनी को जो है इस चीज पे भी फोकस करना चाहिए और इस चीज को इम्प्रूव करना चाहिए। लास्ट में हमारे पास आ जाती है रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक हो गया, रेशो, कि हम जो है रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे कि हमने जो अपने इन्वेस्टमेंट पुट की हुई है उसमें क्या सिचुएशन चल रही है। सो कहता है कि जी इंडिकेट्स द प्रॉफिटेबिलिटी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। ठीक हो गया, कि आपके जो है शेयर होल्डर्स को प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेट करती है कि शेयर होल्डर्स को जो है जो उन्होंने अपने पैसे लगाए हुए थे उसके बदले में उसको जो है क्या चीज मिल रही है। तो कहता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस सेम रहेंगे। ठीक है, आपने उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। किस चीज पे आप डिवाइड कर रहे हो, आप उसको सिंपली जो है शेयर होल्डर्स इक्विटी पे करोगे, वहां पे हमने एसेट्स पे किया था, यहाँ पे आप इसको क्या कर रहे हो अपने जो है इक्विटी या शेयर होल्डर इक्विटी के साथ आप कर सकते हो। आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आपके पास जो है इक्विटी आ जाता है या शेयर होल्डर इक्विटी आ जाता है तो आपने दोनों को जो है एक ही चीज कंसिडर करना है, क्योंकि शेयर होल्डर इक्विटी या इक्विटी से मुराद हमारा सेम होता है। ठीक हो गया, सो ये आपको जो है बताता है कि कंपनी जो है क्या करती है, कि मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू जनरेट प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। के शेयर होल्डर ने जो उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके बदले में जो है ये कितने प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया कि अपने जो है नेट प्रॉफिट सेम 91 थे और शेयर होल्डर्स इक्विटी हमने जो है वहां से ली इनकम स्टेटमेंट से। ठीक हो गया, तो जो है बैलेंस शीट से हमने ली तो 1139 हमारे पास वो थे। जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आया, 0.08 आया। तो इट मींस कि कंपनी क्या कर रही है, अपने जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0.08 कर रही है। ठीक है, सो अगर कंपनी क्या करती है कि जी आपके पास जो है हम जो है 0.8 है, तो हम इसको सिंपल इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करेंगे कि एवरी डॉलर ऑफ कॉमन शेयर होल्डर इक्विटी जनरेट्स 0.08 ऑफ नेट इनकम। क्योंकि कि बहुत ही कम शो कर रही है, 0.08 करिए, जहाँ पे हम जो है 1 रुपया लगा रहे हैं उसके बदले में 0.08 जो है जब आप जनरेट करोगे तो आपके लिए जो है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। कंपनी को इस चीज को जो है डील करना होगा, और इसी को अगर जो है हम क्या करेंगे कि प्रॉपर तरीके से जब हम इसको जो है इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो तब आपको पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री में क्या सिचुएशन चल रही है और आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो। ठीक हो गया, क्योंकि हमने क्या कहा कि आपको ये बताता है कि इफेक्टिव जो है हाउ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज यूजिंग इक्विटी फाइनेंसिंग टू फंड ऑपरेशंस एंड ग्रो द कंपनी। ठीक है, कि वो जो अपनी कंपनी को किस तरीके से ग्रो कर रही है और कितना जो है वो इक्विटी को पुट कर रही है। तो जब हमने देखा तो रिटर्न ऑन इक्विटी इंडस्ट्री एवरेज आपके पास क्या चल रहा है, 18 चल रहा है और ये जस्ट 8.0% पे चल रहा है। सो इट मीन्स कि बास्केट वेंडर हैज अ पुअर रिटर्न ऑन इक्विटी, इसके जो है रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो है बहुत पुअर जा रही। तो जब हमने जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का एनालाइज किया तो वहां पे ऑलमोस्ट सारे के सारे जो उसके रेशियोज हैं बहुत वीक जा रही है, जिसको हम जो है समराइज करेंगे। तो किस तरीके से समराइजेशन होगी इसके, सो हम कहते हैं कि जी ट्रेंड एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड एनालिसिस कैसे चल रही है, कि द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फॉर बास्केट वेंडर हैव ऑल बीन फॉलिंग सिंस 2005, ईच हैज बीन बिलो द इंडस्ट्री एवरेज फॉर द पास्ट 3 ईयर। सारी सी बातें हमने देखा कि वो जो है डाउन हो रही है, बिलो द एवरेज जो है वो जा रही है। ठीक हो गया, और 2005 से सिचुएशन चेंज हो गई। सो क्या शो करता है, दिस इंडिकेट्स दैट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
cost of goods sold and administrative cost may both be too high and a potential problem for basket industry. हो गया कि उसकी जो है administrative expenses बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि वो जो है सेल्स उसके जो है सारे के सारे कहाँ पे लग रही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे लग रही है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन जो है इतना वो ज्यादा गेन नहीं कर रहा, और दूसरा आपके जो है एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हो रहे हैं कि आप उसके लिए जो है कोई भी इतना ज्यादा जो है ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं बच रहा और ना ही उसके पास जो है नेट इनकम बच रही है। सो कहता है कि नोट दिस रिजल्ट इज कंसिस्टेंट विद अ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और इसी वजह से हमने क्या कहा था कि वो जो है अपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी उसकी कम थी कि वो अपने इंटरेस्ट भी पे नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो है पेमेंट जो है उसके पास कम आ रही है, वो अर्निंग्स कम गेन कर रहा है। ठीक है, सो अगर हम जो है समराइज करें तमाम की तमाम रेशियोज को इस कंपनी की बास्केट वेंडर्स को, तो हमने क्या एनालाइज किया कि इन्वेंट्रीज आर टू हाई, उसकी इन्वेंट्रीज बहुत हाई थी, ठीक है, बहुत स्लो उसकी सेलिंग हो रही थी, मे बी पेइंग ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट पेबल टू सून, एक वजह ये हो सकती है कि जो है वो अपने क्रेडिटर्स को बहुत जल्दी जल्दी पे कर रहे हैं। तो जब आप जो है क्रेडिटर्स को जल्दी जल्दी पे करोगे तो क्या होगा कि आप जो है पेमेंट्स आपके पास ऑन हैंड कम रहेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मे बी टू हाई, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो शायद उसमें सारे के सारे पैसे आपके लग रहे हैं, या फिर हमने क्या कहा कि आपके सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस इतनी ज्यादा हो रही हैं, तो आपके सारे के सारे जो है पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, आपके जो है सारे के सारे पैसे अपने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह पे लग रहे हैं। तो इसमें से आपके पास जो है रेशियो के जरिए से आप क्रेडिटर्स वगैरह जो इसको एनालाइज करेंगे और डिसीजन मेकिंग करेंगे, वो जो है इसको डीपली एनालाइज करेंगे कि कौन सी चीज़ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी चीज़ हमें रिड्यूस करनी है, कौन से हमारे हाथ में है रिडक्शन के लिए हम उसको पॉसिबल बना सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है रेशियोज थी जो कंप्लीट हो गए, जो हमें जो है हेल्प आउट करती है कि आप जो है डिसीजन ले सको कंपनी को बेहतर तरीके से एनालाइज करने के लिए। जैसे फिजिशियन क्या करता है, आपका एक एक टेस्ट लेता है कि जी आप जो है क्या करें, एक्सरे करके लाओ, एमआरआई करके लाओ, दूसरे सिटी स्कैन करो, ये सारे के सारे इस तरीके से ये स्कैनिंग वगैरह होती है, और फिर आपके जो है डॉक्टर उसके बेसिस पे आपको इंटरप्रिटेशन देता है कि जी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको किस चीज़ की जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत है। इसी तरीके से जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं या जो है जो एनालिस्ट होते हैं, वो इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, वो इन चीज़ों को देखते हैं, एक एक जो है टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं डिसीजन मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है कॉमन साइज एनालिसिस, बहुत ही आसान है, ठीक हो गया, कॉमन साइज एनालिसिस हमारे पास, ठीक है, कि हम जो है कंपनीज की जो है दूसरे तरीके से भी एनालिसिस करते हैं, ठीक हो गया, कॉमन साइज एनालिसिस जिसको कहा जाता है, ठीक है, रेशोज के अलावा जो है हम इसके जरिए से जो है इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक हो गया। कॉमन साइज एनालिसिस को जो है वर्टिकल एनालिसिस भी कहा जाता है, ठीक है, जो मैनेजर फाइनेंशियल मैनेजर जो है यूज करते हैं, ठीक हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने के लिए, और ये आपको क्या करता है अपने ही जो है बेस अमाउंट के जरिए से आपको बताता है कि ओवर द पीरियड आपने किस तरीके से अर्निंग की हुई है, और इसलिए कहता है कि एन एनालिसिस ऑफ द परसेंटेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर ऑल बैलेंस शीट आइटम्स आर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स एंड ऑल इनकम स्टेटमेंट्स आइटम्स आर डिवाइडेड बाय नेट सेल्स और रेवेन्यूज। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि कॉमन साइज एनालिसिस को हम जो है वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं, तो वर्टिकल एनालिसिस आपके पास क्या होती है, बेसिकली इस डायरेक्शन में आपके पास होती है, ठीक है। सो आप क्या करोगे कि अपने जो है जो बैलेंस शीट आपने बनाई हुई है, बैलेंस शीट में आप तमाम के तमाम आइटम्स को टोटल एसेट्स पे डिवाइड करोगे, ठीक है, और जब आप जो है इनकम स्टेटमेंट को करोगे तो आप वहां पे सारी की सारी चीजों को अपने सेल्स पे डिवाइड करोगे, तो आपको पता चलेगा कि किस चीज का कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, कौन से एक्सपेंसेस आपके जो है कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे, वो चीज आपको बताती है, जिसको हम क्या करते हैं इस तरीके से शो करते हैं बास्केट वेंडर के। हमने जो है क्या किया हुआ है, बैलेंस शीट को लिया हुआ है 2005, 2006, 2007, ठीक हो गया, हमने जो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स इनकी बनाई हुई हैं, ठीक है, हमने जो है डिफरेंट ईयर्स के इनके जो है देखे हुए हैं, इनकी वैल्यूज आई हुई है हमारे पास, और हमने हर ईयर के अलग अलग फाइंड किए हुए हैं। तो हमने पहली चीज क्या की हुई है, हमने जो है देखा हुआ है 2005 को, तो 2005 में हमने जो है कैश को लिया, ठीक है, 148 था, हमने क्या कर दिया, कहा था कि जी इसको जो है क्या करोगे टोटल एसेट्स पे डिवाइड करोगे। जब आप क्या करोगे 148 को टोटल एसेट्स पे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12.10%, ठीक है। इस तरीके से अकाउंट रिसीवेबल को आप डिवाइड करोगे अकाउंट टोटल एसेट्स पे तो आपके पास 23 आ जाएगा, 26 सेम एज इट इज ये चीज चलती रहेगी। टोटल एसेट्स आपके पास जो है आ जाएंगे, ये हो गया टोटल एसेट्स आपके पास 763 थे, जिसको हमने सेम 12 जो है 763 को हमने डिवाइड कर दिया किस चीज़ पे 1223 पे कर दिया, तो हमारे पास आया कि हमारे टोटल करंट एसेट्स ने कितना जो है पोजीशन ली हुई है 62%, और जो रिमेनिंग पोजीशन हमारे पास जो ली गई है वो किसने ली हुई है, वो आपके पास जो है जो रिमेनिंग आइटम्स है उन्होंने ली हुई है। और इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपने कि आप जब भी इस चीज़ को फाइंड आउट करते हो तो अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि ये जो है क्या करते हैं कि टोटल एसेट्स के साथ जो है करंट एसेट्स को जो है वो टोटल एसेट कंसिडर करते हैं, ये टोटली रॉन्ग है, ठीक है। टोटल करंट एसेट जो है खुद उसका टोटल एसेट का एक पोर्शन है जिसके जरिए से आप इसको एनालाइज करते हो और इस चीज को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हो।
तो आपने क्या करना होगा कि हमेशा आपका जो फाइनल स्टेटमेंट आएगा, जो टोटल एसेट्स आएंगे वो 100 आएंगे, क्योंकि जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो 100 आएगा। तो 100 में हमने क्या करना है, इन चीजों को देखना है कि इन सब की कंट्रीब्यूशन क्या है, कि हमारे पास कितना कैश पड़ा हुआ है, कितना अकाउंट रिसीवेबल सिचुएशन थी, क्योंकि कितनी इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है, कितने हमारे पास जो है हमारे जो है करंट एसेट्स मौजूद हैं, ठीक हो गया, हमारे जो है फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं। हम जो है इन चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो हम इसके जरिए से क्या करते हैं कि जो है इम्पैक्ट ऑफ ईच आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंट्रीब्यूशन टू द रिजल्टिंग फिगर, ठीक हो गया, कि हम जो है हमारे पास जो फिगर्स आ रहे हैं, हम उस चीज़ को देखते हैं कि हर एक आइटम का कितना कंट्रीब्यूशन था, ठीक हो गया, कि हर आइटम ने जो है कितना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, हर एक ने जो है कितना जो है अपना पोर्शन पुट किया। तो हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है करंट एसेट्स को देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, और जो है फिक्स्ड एसेट्स जो है पोर्शन बहुत कम है। तो जो करंट एसेट्स में इंटरेस्टेड होगा उसके लिए जो है एक अच्छे इंडिकेटर है। इसी तरीके से 2006 का भी किया गया है और 2007 का परफॉर्म किया गया है। सो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं। जब हम जो है लाइबिलिटी साइड पर आ जाएंगे तो अगेन आप जो है टोटल एसेट्स पे भी इसको डिवाइड कर सकते हो। अक्सर स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो है अब हमने टोटल एसेट्स पे करना है या टोटल लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी पे करना है। तो ये बात हमेशा याद रखो कि हमारा जो टोटल लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी है ये किस चीज़ के बराबर होता है, क्योंकि टोटल एसेट्स के ही बराबर आते हैं, दोनों साइड्स बराबर होती है। तो अगर आप इसको जो है टोटल लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी पे डिवाइड करते हो या वहीं पे टोटल एसेट्स को करते हो, ठीक हो गया, तो दोनों के जो है रिजल्ट्स आपके पास इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब हमने जो है इन चीज़ों को डिवाइड किया तो क्या है कि आपके पास जो है 23.71 जो है बास्केट वेंडर्स को नॉट पेबल के जो है कंट्रीब्यूशन है 6.62, और जब हम इसको ओवरऑल देखें तो आपके पास 32 करंट लाइबिलिटीज हैं और इक्विटी कंपनी ने ज्यादा पुट की है, ठीक है। तो इट मींस क्या हुआ कि कंपनी जो है करंट लाइबिलिटीज कम इनकर की हुई है जबकि उसकी नस्बत पे इक्विटी उसकी अपनी ज्यादा है, उसने इन्वेस्टमेंट ज्यादा पुट की हुई है। जब हम 32 को और 12 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या है 44 आ गया, ठीक है। सो हम पॉइंट्स को फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, तो तकरीबन 44-46% जो है आपने क्या किया हुआ है, डेट ने जो है कंट्रीब्यूट किया हुआ है और ओनर्स इक्विटी जो है आपके पास उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या चला, आपको जो है कंट्रीब्यूशन पता चला कि किसने कितना जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक हो गया, और कौन जो है इसमें ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट दे रहा है, और मकसद हमारा क्या हुआ इसके लिए। सो कहता है कि फाइनेंशियल मैनेजर और इन्वेस्टर यूज़ द कॉमन साइज एनालिसिस टू सी हाउ अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर कंपेयर्स टू राइवल्स, दे कैन मेक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एनालाइजिंग स्पेसिफिक लाइन आइटम्स इन रिलेशन टू द टोटल एसेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ वैल्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट्स इन रिलेशन टू द टोटल एसेट वैल्यू इज टू लो, इट शोज दैट द कंपनीज डेट लेवल्स आर टू हाई। Similarly, looking at the retained earning in the relation to the total assets as the base value can reveal how much the annual profits are retained on the balance sheet. क्योंकि कि कंपनी ने जो है कितने जो है profits को retain किए अपने पास, कितना जो है उसने use किया, कितना उसने debt लिया, इस चीज को जो है जब हम बना लेते हैं तो single एक कंपनी के लिए इतना ज्यादा beneficial जो है तब हो सकते हैं जब वो क्या करेगा, अपने internal analysis करेगा, comparative balance sheets को देखेगा, अपने जो है देखिएगा कि जी हमने कितना improve किया, कितना जो है हम कम हुए, decrease किया हमने चीजों को, उस चीज में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। लेकिन मोस्टली जो फाइनेंशियल जो एनालिस्ट होते हैं या मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो राइवल्स के साथ देखते हैं, अपने कंपटीटर्स के साथ इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारे कंपटीटर जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी कैसी डायरेक्शन जा रही है, उनकी क्या डायरेक्शन जा रही है। तो वो जो है क्या करती है, उसको एक बेटर इंडिकेटर प्रोवाइड कर सकती है कि वो किस चीज़ में हमसे आगे जा रही है, हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं। तो ये उसको हेल्प आउट करती है इस चीज़ में एनालाइज करने के लिए, और इसलिए हम जो है क्या करते हैं जो है कॉमन साइज एनालिसिस परफॉर्म करते हैं ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। और कॉमन साइज एनालिसिस जो है हम दोनों चीजों की करते हैं, इनकम स्टेटमेंट की भी करते हैं और बैलेंस शीट की भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, दोनों के आप जो अकॉर्डिंग टू नीड परफॉर्म करते हो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे जो है की हुई है इनकम स्टेटमेंट की, कि हमने क्या कहा कि इनकम स्टेटमेंट में आप किस चीज पे इसको डिवाइड करोगे, सेल्स पे डिवाइड करोगे। तो जब हमने सेल्स पे डिवाइड कर दिया तो आपकी सेल्स हमेशा जो है 100% रहेंगी, क्योंकि 1235 डिवाइड बाय 1235 जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 100% आएगा। तो फिर जब आप इसको जो है परफॉर्म करोगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ने 68.7 कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका सारा का सारा इतना कम रह गया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपकी बहुत ज्यादा थी, तो आपको पता चल रहा है कि कौन सी चीज आपको बहुत ज्यादा जो है क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। आप इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हो, ठीक है, कि कौन सी चीजें आपको बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट कर रही है, और कहते हैं हम जो है इसको कि वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कॉमन साइज एनालिसिस दैट इट अलाउज इन्वेस्टर टू आइडेंटिफाई ड्रास्टिक चेंजेस इन अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। This mainly applies when the financials are compared over a period of 2 or 3 years. Any significant movement in the financial across several years can help investors decide whether to invest in the company.
ठीक है कि जैसे हमने जो है यहाँ पे देखा 2006-07 को हमने किया, तो आपके पास जो यहाँ पे चेंजेस नजर आ रही है तो वो इस चीज को कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो है उसको बेहतर परफॉर्म करिए कंपनी के नहीं कर रही, ठीक है उसको जो है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और हम क्या करते हैं कि इसके जरिए से जो है क्या करते हैं, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी गेन कर सकते हैं, ठीक है। और इसलिए हम कहते हैं कि जो है हमारे पास जो रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं, तो रेशियोज टेल इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंस मैनेजर हाउ द कंपनी इज डूइंग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एंड दे कैन मेक प्रॉपर प्रेडिक्शंस ऑफ फ्यूचर रेवेन्यूज। कंपनीज कैन आल्सो यूज दिस टूल्स टू एनालाइज कंपटीटर्स टू नो द प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यूज दैट गोज टू एडवर्टाइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अदर एसेंशियल एक्सपेंसेस। कैसे आपको जो ये भी पता चल जाता है कि आपके खर्चे कहाँ ज्यादा हो रहे हैं, आपकी स्पेंडिंग्स कहाँ ज्यादा हो रही है, फिर जब आप जो है जो अपने कंपटीटर के साथ इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हो तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि आपके कंपटीटर जो है वो ज्यादा रेवेन्यूज अर्न कर रहा है तो उसकी क्या रीजन, वो कहाँ से ज्यादा गेन कर रहा है, उसके जो एक्सपेंसेस कहाँ पे कम है, कौन से एक्सपेंसेस वो ज्यादा कर रहा है, तो ये सारे के सारे उसको क्या करती है, बेसिस प्रोवाइड करती है कि वो जो है किस तरीके से इन चीजों को मैनेज करें। और इसलिए हम कहते हैं कि कॉमन साइज एनालिसिस इज आल्सो एन एक्सीलेंट टूल टू कंपेयर कंपनीज टू डिफरेंट साइजेस बट इन द सेम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री अगेन सेम होनी चाहिए और जो आपके पास जो फर्म्स है कंपनीज हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से परफॉर्म करी। कहता है कि लुकिंग एट देयर फाइनेंशियल डेटा कैन रिवील देयर स्ट्रेटजी एंड देयर लार्जेस्ट एक्सपेंस दैट कैन गिव देम एन एज, कंपटीटिव एज ओवर अदर कंपेरेबल कंपनीज, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको जो है क्या कर रही है, कंपटीटिव एज दे रही है। क्योंकि हम कहते हैं कि अक्सर कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि छोटी कंपनियां आपसे ज्यादा बेहतर कर रही होती हैं, ठीक है वो ज्यादा गेन कर रही होती है, बड़ी कंपनियां इतनी ज्यादा गेन नहीं कर रही होती, तो उसका रीजन क्या हो सकता है, उसका रीजन जो है बेसिकली यही हो सकता है कि वो जो है क्या कर रही है, उसकी स्ट्राइड एक्सपेंसेस कम है और वो जो है रेवेन्यू ज्यादा गेन कर रहा है, तो वो जो है उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल सोर्स बन रहा है और जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, आपसे बेहतर जो है वो अर्निंग कर रहा है, वो आपसे ज्यादा जो है गेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारा जो है कॉमन साइज एनालिसिस था। लास्ट टॉपिक हमारा जो है रह जाता है वो है इंडेक्स एनालिसिस। इंडेक्स एनालिसिस क्या है, कहता है कि एन एनालिसिस ऑफ परसेंटेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट where all balance sheet or income statement figures for a base year equal 100% and subsequent financial statement items are expressed as a percentages of their values in the base year. कि आप क्या करते हो कि जो है इसको बेस ईयर के साथ जो है कंसिडर करते हो कि आपका जो है जो प्रीवियस ईयर होता है वो आप जो है बेस कंसिडर करते हो और उसको जो है हम क्या करते हैं 100% कंसिडर करते हैं और उसके साथ हम क्या करते हैं इस चीज़ को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है किस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। नाउ लेट्स सी, इस तरीके से हम करते हैं। बास्केट वेंडर की सिचुएशन हमने सेम ली हुई है, ठीक है हमने जो है क्या किया हुआ है कि उसके बैलेंस शीट को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है उसके जो है हम क्या कर रहे हैं इंडेक्स एनालिसिस कर रहे हैं, उसको जो है हम प्रॉपरली एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बास्केट वेंडर्स ने क्या किया हुआ है, बेसिकली जो है अपने 2005 को अपना बेस ईयर कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि आपके पास जो जितने भी ईयर्स कंसिडर होते हैं आप क्या करोगे उसमें से जो आपका इनिशियल ईयर होगा जिसके साथ आप क्या कर रहे हो उसको कंपेयर कर रहे हो वो आपका बेस ईयर कंसिडर होगा। तो हमने क्या किया 2005 को अपना बेस ईयर कंसिडर किया हुआ है जो कि आपके पास क्या हो जाएंगे, हम उसको 100% कंसिडर कर लेंगे और उसके साथ हम क्या करेंगे इसको कंपेरिजन करेंगे अगले साल के आइटम्स को, ठीक है कि हमारे पास जो है जो अगले साल के आइटम्स आ रहे हैं वो कैसे लाइक कर रहे हैं, उनकी क्या परसेंटेजेस आ रही हैं, क्या वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, हम क्या करेंगे सिंपली उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो हमने क्या किया, सिंपली हमारे पास 2006 में वैल्यू है 100, हम इसको डिवाइड करेंगे 148 में, जिससे हमारे पास रिजल्टिंग वैल्यू क्या आई 67.6। हमने 90 को डिवाइड किया 148 पे जिससे रिजल्टिंग वैल्यू हमारे पास क्या 60.8। इस तरीके से हम सारे के सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है यहाँ पे हमने जो है ये इनफिनाइट लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है क्योंकि हम इसको जो है हमारे पास इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेंट्री क्या थी, जीरो थी, जब हम उसके साथ कंपेयर करेंगे उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी, जब आप क्या करोगे 50 को डिवाइडेड बाय जीरो करोगे तो क्या आएगा एरर ही आएगा आपके पास, उस पर कैलकुलेट ही नहीं हो सकती जीरो पे, तो आपके पास क्या हो जाएंगी डिफरेंट किस्म की जो है ये रेशियोज आना शुरू हो जाएंगी, ठीक हो गया आपके पास जो है जो रेशियोज आपके पास आएंगे ये 100 से ज्यादा होंगे, 100 से जब ये ज्यादा होंगे तो आपके पास क्या हो रहा है कि आप उसको बेस ईयर के साथ जो है कंपेयर करने की कोशिश करें कि बेस ईयर आपके पास 100 था, अब आप जो है क्या कर रहे हो कि कहीं पे जो है आप लो जा रहे हो 67.6% पे आ गए हो, कहीं पे जो आप उससे अबव जा रहे हो, कहीं पे 191 को टारगेट कर रहे हो, यहाँ पे हम देखें तो 200 तक आप जो है एक्सीड कर चुके हो। इसी तरीके से हम क्या करते हैं इसके दूसरे साइड के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है
कि आप जो है बेस ईयर के आइटम्स के साथ इन दोनों को कंपैरिजन करते रहोगे, ठीक है, दोनों को आपस में कंपेयर करते रहोगे। दोनों को आपस में कंपेयर करने की बात अगेन वही रह जाती है कि आपने क्या किया हुआ है, एक को बेस ईयर कंसिडर किया। तो जब आपने बेस ईयर कंसिडर किया हुआ है तो बेस ईयर मीन्स आपके पास क्या हुआ कि आप जो है क्या करोगे उस पर इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। सो आपने जो है इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। हम क्या करेंगे कि 94 को 81 पे, 16 को 13 पे, इस तरीके से हम क्या करेंगे इन चीज़ों को डिवाइड करते रहेंगे और हमारे पास जो है इसके डिफरेंट वैल्यूज आती रहेंगी, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है हम इसके साइड पे क्या करेंगे, इसके इंडेक्स परसेंटेजेस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो हमने जो है क्या कर दिया, सेम एज इट इज फॉर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट भी आप क्या करोगे, इन दोनों को जो है आपस में जो है डिवाइड करते रहोगे, आपके पास जो है वैल्यूज आती रहेंगी और आप क्या करोगे इसको यूज करोगे, ठीक हो गया। और आप इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे कि आपके पास जो है कितने जो है इसकी वैल्यूज आ जाती हैं, कितने जो है आपके पास जो है इसमें चेंजेस आए हुए हैं, इंक्रीज आया डिक्रीज आया हुआ है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है। और एज टू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने क्या कहा, इंडेक्स एनालिसिस आपको क्या करती है, आपको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एज ए परसेंटेज एक्सप्रेस करके बताती है, ठीक हो गया, कि आपके जो है बेस ईयर के मुकाबले में आपके जो है कितने इंप्रूवमेंट्स आई है, कहाँ पे आपने जो है उसमें इंक्रीज आया है, कहाँ पे आपके पास डिक्रीज आया हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि जी इंडेक्स एनालिसिस हमारी क्या करती है, कॉमन साइज स्टेटमेंट से थोड़ा सा बेटर हमें जो है इमेज प्रोवाइड करती है, व्यू प्रोवाइड करती है, जब हम इसको क्या करते हैं बेस ईयर के साथ कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास जो है हम बेस ईयर के मुकाबले में हमारे पास कितना परसेंट उसमें इंक्रीज आया, कितना उसमें डिक्रीज आया, तो एक बेटर इमेज हमें जो है प्रोवाइड करती है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंपली कि हमारे पास क्या है कि द इंडेक्स इनकम स्टेटमेंट गिव अस इंफॉर्मेशन ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्सोलीट एब्सोल्यूट चेंजेस इन द प्रॉफिट्स एंड एक्सपेंसेस विद कॉमन साइज स्टेटमेंट वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ द एब्सोल्यूट चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है, कि हमारे पास जो उसमें ओवर टाइम कितने एब्सोल्यूट चेंजेस आई हुई थी वो चीज़ आपको जो है कॉमन साइज नहीं बताता, बल्कि इंडेक्स एनालिसिस आपको क्या करते हैं उसके मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजेस आपको जो है आइडेंटिफाई करके बताते हैं। और अगर हम इसको समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट आइटम एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल्स एंड एज इंडेक्सेस टू अ बेस ईयर ऑफन गिव्स अस इनसाइट इन एडिशनल टू दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोस। कॉमन साइज एंड इंडेक्स एनालिसिस मच ईजियर when computer spreadsheet programs as an Excel is employed. The division calculation by rows, columns can be done quickly and accurately with a such program, but it is up to you, the analyst, to interpret the results. ठीक है कि आप जो है क्या करते हो कि इसको बेहतर तरीके से एक्सेल में कर सकते हैं, अगर आप इसको कैलकुलेटर के जरिए से करोगे तो बहुत एक टाइडी प्रोसीजर बन जाता है जब वन बाय वन आप सारे के सारे चीज़ों को कैलकुलेट करोगे और परफॉर्म करोगे और उसको फाइंड आउट करोगे। लेकिन जब आप जो है इसको एक्सेल में पुट करते हो आपके पास इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आ जाती है, आप डायरेक्टली उसके स्टेटमेंट्स कर लेते हो। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर इंटरप्रिटेशन कि आप जो इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हो। जैसे हमारे पास नेट सेल को अगर हम देखें तो बेस ईयर आपके कंपैरिजन करें तो आपके पास 70% उसमें इंक्रीज आया, लेकिन 2007 में देखें तो 79% उसमें इंक्रीज आया। मींस कि आपके जो है नेट सेल्स क्या हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, उसमें ड्रेस्टिकली जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है, ठीक है। सो आपको इससे जो है ट्रेंड पता चल जाता है कि आपके जो है जो नेट सेल्स हैं या बाकी आइटम्स हैं उसमें जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है या इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है। जैसे अब यहाँ पे देखें तो ये 92% अर्निंग आफ्टर टैक्सेस बच जाता है, ये जो है आपके पास डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है। तो आपके पास इसके जो है प्रॉपर तरीके से ट्रेंड पता चल जाता है कि इंक्रीजिंग जा रहा है या डिक्रीजिंग जा रहा है। सो यहाँ तक हमारा चैप्टर था, चैप्टर 6 जो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने जो है अगर समराइज करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, कौन इसको यूज करते हैं, रेशियो एनालिसिस क्या होती है, और आपके जो है ये कॉमन साइज और इंडेक्स एनालिसिस कैसे परफॉर्म की जाती है इनके बारे में हमने इन डीप स्टडी किया। और ये चीज़ें आपकी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट नॉट टू दिस, आपके रिसर्च में, आपके जो है फाइनेंशियल एज ए फाइनेंशियल मैनेजर जब आप परफॉर्म करते हो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आ गई तो इट मीन्स कि आपके लिए जो है जो कंपनी के बैलेंस शीट्स वगैरह का एनालाइज करना है आप उसकी इंटरप्रिटेशन भी बेहतर कर सकते हो। तो आपको हमेशा फोकस किस चीज़ पर रहना चाहिए, आपके इंटरप्रिटेशन पर रहना चाहिए। जितना आप बेहतर तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकोगे आपकी जो है डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। सो ये हमारा जो है चैप्टर था, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Otherwise, Allah Hafiz.